हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम बोलने के लिए प्रैक्टिस करें कि हम अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना सीख सके और जल्दी सीख सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम वो रास्ता बताएंगे आपको कि किस तरीके से बोलना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, आप इंग्लिश लिखना जानते हैं, पढ़ना भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप समझ भी सकते हैं, लेकिन जब बोलने जाते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं, आप बोल नहीं पाते हैं, अटक अटक कर बोलते हैं। तो उसका वजह क्या है? वजह है कि प्रैक्टिस की कमी। ये भाषा है, ये लैंग्वेज है, ये हमें बपौती नहीं मिली हुई है, मीन्स विरासत में नहीं मिली हुई है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम सीख जाएंगे अपने आप बिना सिखाए हुए। हम सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे होंगे, हमने भी सीखा है, मैं भी सीखा हूँ बचपन से। सीखकर ही हम ये भाषा सीखते हैं। धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने के लिए या फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है लिसनिंग, रीडिंग और बोलने की प्रैक्टिस। बोलने की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लिसनिंग और रीडिंग ये भी ज़रूरी है, बट जब तक बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बोलना नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोलने की प्रैक्टिस हम करें तो कैसे करें? कुछ लोग बोलते हैं कि अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो सबसे पहले इंग्लिश में सोचना चालू करो। बट मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश जानता ही नहीं वो इंग्लिश में सोच कैसे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में शुरू से बचपन से हमने हिंदी बोलना सीखा है तो हम हिंदी में सोच सकते हैं। हम कर इतना सकते हैं कि हिंदी सेंटेंस पहले सोचें, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, फिर उसको हम बोलें। अब आप बोलेंगे कि ऐसे भला बात कैसे होगी, हम इंग्लिश में सोचेंगे फिर बोलेंगे, ऐसे बात होगी थोड़ी। तो फ्रेंड्स, ये तो हम प्रैक्टिस करने का रास्ता बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं कि इसी तरीके से मात्र यही एक रास्ता है जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। या तो आप रट्टा मारो रोज़ के रोज़ सेंटेंसेस को, फिर उसको बोलना शुरू करो। फिर भी रट्टा मारने के बाद भी जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कैसे करेंगे? आप इंग्लिश में बोलना शुरू करो, सिर्फ 10 दिन ये करके देखो। 10 दिन करो, आप इंग्लिश में बोलो एक भी शब्द, कसम खा लो, आपको कसम खा लेना है कि किसी से भी हमें हिंदी में बात नहीं करनी है, हर किसी से इंग्लिश में बात करनी है। अगर मान लो किसी की इंग्लिश नहीं आ रही है आपको, जैसे ओए कुर्सी इधर लेके आओ, तो ब्रिंग दैट कुर्सी हियर, आप कुर्सी भी बोल सकते हैं एक बार वहाँ पे, बट लैंग्वेज शैली इंग्लिश में होनी चाहिए। आप सबसे इंग्लिश में बात करो, भाई से बात करो, बहन से बात करो, पिताजी से बात करो, माँ से बात करो, बाहर में दोस्तों से बात करो, और उसे बात करते वक्त ये बोलो कि फ्रेंड्स कॉपरेट मी, आई वांट टू लर्न इंग्लिश एंड दिस डेज आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, सो कॉपरेट मी। कॉपरेट करेंगे आपको, कुछ लोग हंसेंगे भी, हंसेंगे उनको हंसने दो, कुछ लोग हंसेंगे भी उनको हंसने दो, लेट देम लाफ। हंसने वाले हंसते रहेंगे, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। सबसे आप इंग्लिश बोलना शुरू करो 10 दिन तक, सिर्फ मात्र 10 दिन तक, रोज़ के रोज़ आप दिन रात उठते सोते बैठते इंग्लिश में ही बोलो, हर चीज़ों को इंग्लिश में एक्सप्रेस करो, आप कसम खा लो। 10 दिन करना है आपको, बस 10 दिन। तो चलिए फिर हम एक प्रैक्टिस आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, आपको प्रैक्टिस करना है घर पे इंग्लिश बोलने की, ट्रांसलेशन बनाने की प्रैक्टिस, ट्रांसलेशन बनाओ। आप हिंदी में किसी को बोलो कि आप हिंदी में बोलते जाओ, मैं उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करता जाऊंगा। आप अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए ये भी कर सकते हो। तो वो प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, चलिए आज देखते हैं, लाइव देखते हैं, हम किसी स्टूडेंट्स के साथ हम करते हैं ये। ओके फ्रेंड्स, सी इज़ माई स्टूडेंट, मैं इनसे हिंदी में, ऐसा मत समझने कि हम पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं कि मैं क्या पूछूंगा और उसको क्या जवाब देना है। मैं इसे डायरेक्ट अभी का भी लाइव इसको पूछ रहा हूं, मैं ये जवाब दे दी जाएगी। आपको इस तरह से आपको भी करना है, घर पे बैठ के अपने फ्रेंड से या किसी दोस्त से, किसी भाई से, बहन से, जो भी हिंदी में, सिर्फ बोलना है कि आप हिंदी बोलते जाओ, मैं उसका इंग्लिश बोलते जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह से प्रैक्टिस करो, आपके आपकी जो ट्रांसलेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। आप हिंदी सेंटेंस को सेकंडों में आप ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे तो आप इंग्लिश बोलने लगेंगे धड़ल्ले से। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सुरेखा। यस सुरेखा, मैं आपसे सेंटेंसेस हिंदी में बोलता जाऊंगा, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाना है, बिल्कुल फटाफट। ओके, विदाउट स्टॉपेज। ओके वो गया,
ही वेंट। मैं नहीं कर सकता। आई कांट डू। मेरे पास बुक नहीं है। आई हैव नॉट बुक। तुम कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो? मैं कल तुम्हारे घर पे आऊंगा। आई विल कम टू योर हाउस टुमारो। आपको रोज दूध पीनी चाहिए। यू शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। उसके पास बंदूकें नहीं थी। ही हैड नॉट गन्स। वो कौन था? हु वाज दैट? वहाँ कोई नहीं था। देयर वाज नोबडी। क्या तुम डॉक्टर बनोगे? विल यू बी अ डॉक्टर? मैं कल नहीं आ सका। आई कांट कम टुमारो। वे लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? तुम ऐसा क्यों करते हो? व्हाई डू यू डू दिस? कोई भी मेरे घर नहीं आता है। नोबडी कम्स टू माय हाउस। कल तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू टुमारो? क्या तुम मेरे घर आओगे? विल यू कम टू माय हाउस? तुम कहाँ गए थे? व्हेयर डिड यू गो? मुझे ये पता नहीं है। आई डोंट नो दिस। क्या तुम उसे जानते हो? डू यू नो हिम? वह सुबह से दौड़ रहा है। He has been running since morning. वो कहाँ रहता है? Where does he live? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? What does your father do? वो कैसा है? How was he? How is he? सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं। Everybody is ready to go. कोई नहीं जानता है कि वहाँ कौन रहता है। Nobody knows that who lives there. क्या यह तुम्हारा झोला है? Is it your bag? कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। Nobody is ready to go. तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? वो हमेशा मुझे गाली देता है। He always abuses me. कोई आ रहा है। Someone is coming. कौन आया? Who came? कौन आएगा? Who will come? कौन आया है? Who came? Who has come? Yes. Okay. तो फ्रेंड्स, आपने देखा मेरा हिंदी सेंटेंस खत्म होते ही यहाँ से इंग्लिश निकल रहा था। तो इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश बोलने की। किसी को भी, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको इंग्लिश आता ही हो जो सामने वाला पूछ रहा है। आप सिर्फ उससे बोलो प्रैक्टिस के लिए, आपको इंग्लिश आती है, आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको ट्रांसलेशन करने भी आता है, बट बोलने नहीं आती है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। बोलना है कि भाई तुम कुछ भी बोलते जाओ, तुम्हारे मन में जो भी आए वो बोलते जाओ, हिंदी में एक एक छोटे छोटे सेंटेंस बोलते जाओ। ऐसा नहीं कि तुम कहानियाँ बोलना एक ही लगातार शुरू कर दो, एक एक सेंटेंस, जैसे मैं इससे पूछ रहा था। इससे आपकी जो ट्रांसलेशन करने की फ्रिक्वेंसी है वो तेज़ होगी, रफ्तार बढ़ेगी, और आप हिंदी सेंटेंस को सेकेंडों में, आधा सेकंड से भी कम सेकंड में आप बना लेंगे। और आप बोलते वक्त जब भी आपके माइंड में हिंदी में आप सेंटेंस सोचेंगे, उसको आप तुरंत, आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी बढ़ जाएगी कि आप फटाफट बनाते चले जाओगे सेंटेंस को, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाओगे, आप इंग्लिश में उसके बाद बात करना शुरू कर दोगे और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी गुड वे। ये बहुत ही अच्छा रास्ता है, आप ट्राई करके देखो, ऐसे प्रैक्टिस करो, और फिर रोज़ आपको इंग्लिश में बोलना है, रोज़ आपको इंग्लिश में बोलना है हर किसी से, 10 दिन तक, सिर्फ 10 दिन तक आप बोल के देखो। 11वें दिन से आपको बोलने की आदत हो जाएगी, अपने आप फिर जबान से आपको इंग्लिश निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद।